श्री रमेश चंद दुबे। किस लिए बुलाया गया, क्या दूसरा प्रेस वार्ता इसलिए बुलाया गया कि ये कि बहुत बड़ा अनुष्ठान भगवती के प्रांगण में आयोजित है, जिसका समापन हम 28 तारीख को कन्या पूजन के साथ संपन्न कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की बातें इसलिए लिखी हैं कि प्रधानमंत्री का एक ही स्लोगन मैंने जिस समय मेरे भगवती के कुंड का जीर्णोद्धार का उद्घाटन उन्होंने किया, उसी समय मन में एक कल्पना आई कि जिस कार्य को मैं नहीं कर पा रहा था, पैसे का अभाव था, लोगों से कोई आशा नहीं थी, उस समय भगवती ने इन्हें यहाँ पर इस कार्य के निमित्त आयोजित किया। जो आज कुंड लोग नाक दबा कर निकलते थे, आज उस कुंड के पास बैठ कर के घड़ी घंटा समय व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए उनके लिए दुआ करने के लिए भगवती ने प्रेरणा दिया कि विश्व कल्याण के निमित्त सन 1998 से लेकर आज तक जो संकल्प लेकर के कि विश्व का कल्याण हो, देश का कल्याण हो, जन का कल्याण हो, आत्म कल्याण हो, ऐसी ही भावना के साथ भगवती के दर पर रह कर 7 वर्ष की अवस्था से लेकर आज तक यही प्रार्थना करते आ रहा हूँ। उसमें नरेंद्र मोदी का आना हमारे देश को एक नए नायक की तलाश थी, आज हमारे देश की एक पहचान बनी है। आज हम गर्व से कहीं भी विदेशों में जाते हैं तो गर्व से लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी लगाते हैं। प्रधानमंत्री बने हैं और क्या कहना चाहेंगे मंदिर पे दर्शन पूजन के लिए? उनसे यही प्रार्थना आप लोगों के माध्यम से करना चप्रेस वार्ता करने का कुछ खास वजह यही थी कि सबने सब ज्योतिषी सबने अपनी अपनी गणना बताई, लेकिन भगवती ने मुझे कोई गणना बताने का अधिकार नहीं दिया। उन्होंने एक ही बात कहा कि तू अपना कर्म कर, अगर तेरे कर्म में सच्चाई होगी तो प्रधानमंत्री अवश्य बनेंगे। मैंने वह आचार्य अपने आचार्य पंडित कन्हैया लाल पांडे से सलाह मशवरा किया, अपने कुछ जो दुख सुख के साथी उनसे राय लिया, उन सब ने एक ही बात कहा कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ। कलश स्थापित हुआ, भगवती ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया। इसके पहले वह आ करके भगवती से प्रार्थना करके गए थे, भगवती ने उनकी सुन ली और उन्हें प्रधानमंत्री दोबारा बनाया। तो मैं उन निवेदन करना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से कि वह एक बार भगवती का पुनः दर्शन करें। उनसे यही इच्छा है कि जो काशी की जनता हमारी उन पर एक विश्वास करके उन्हें एक अच्छे नायक के तौर पे देख रही है, जो उम्मीद 5 साल में उन्होंने बहुत से कार्य को ऐसे किया जो सराहनीय है। सबसे बड़ा कार्य बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर, जो आज रोड से उनके शिखर का दर्शन होता है। अभी तक मेरी उम्र 45 साल क्रॉस हो रही है, लेकिन कभी भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि कोई ऐसा आएगा ऐसा कर जाएगा। तो हम लोगों के नगरी के सबसे बड़े बादशाह बाबा विश्वनाथ हैं, और बाबा विश्वनाथ के सुंदरीकरण को जो उन्होंने कार्य किया वह सबसे सराहनीय रहा।